जोधपुर की बावड़ी तहसील स्थित जोइंत्रा गांव में 5 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। घटना का पता लगते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहसीलदार और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकलवाने के प्रयास में जुटी है। बता दें, ये बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था और इसी दौरान खेत में खेलते समय यह हादसा हुआ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयाल, क्या कुछ अपडेट है? क्या बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, बताना चाहूंगा कि प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था और साथ ही जो बच्चे को रेस्क्यू करने का जो है वो कार्य शुरू किया जा चुका था। अभी जो है पुलिस अधीक्षक वगैरह सारे अधिकारी मौके पहुंचे और उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो जोधपुर जिले में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते संसाधनों को पहुंचने में निश्चित थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अभी पहुंच रहे हैं। जी, क्या किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला है बच्चे का बोरवेल में? निश्चित जिस तरह से आंखों से देखने पर कहीं मूवमेंट जरूर नजर आया था और साथ ही जो कैमरा और अन्य जो ऑक्सीजन पहुंचाने की जो बात है वो अभी की जा रही है कोशिश। कितनी गहराई में बच्चा फंसा है, कुछ जानकारी मिल पाई है? जानकारी अभी तक ये मिली है कि 100 से 150 फीट की दूरी पर बच्चा है और उसे पानी के आसपास ही देखा गया है। इसके चलते जो जुगाड़ की एक जो व्यक्ति है जो जुगाड़ से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं वो प्रयास अभी कर रहा है। साथ ही अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार की राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।